करता है, जाहिल समझते हैं बिहार की जनता को। लालन सिंह झूठ बोल रहे हैं। अरे तो सफेद झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों के पास कुछ है जी बताने के लिए? जैसे कि पैर छुए चाचा को, मतलब अभी भी दुख चुक में है, पलटी मारेंगे। बात करते हैं, मैंने अब इन पे किसी को भरोसा रह गया है? किसी को भरोसा है? बिहार की जनता भरोसा करेगी क्या? गलती कर गए तेजस्वी जी। आरसीपी सिंह फिर से नीतीश जी का झोला ढोएंगे, मतलब साथ आएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, ये सब असंभव। उपेंद्र कुशवाहा भी ऐसी बोलते थे के? उपेंद्र कुशवाहा के चरित्र का तुलना आरसीपी सिंह जी से कर दिए? उपेंद्र कुशवाहा कितना गाली दिए, क्या नहीं किए, क्या नहीं किए, वो तोड़ फोड़ में लगेंगे। काहे का तोड़ फोड़, जदयू में बचा क्या है? इन्हीं लोगों को ले जाएगा ढोके, ये लोग हैं कौन? नमस्कार, आप और कैमरा मैन मुकेश जी हैं और मेरा नाम हुआ रविकांत और हमारे बगल में है अभी अमित जी, जो अमित सिंह जदयू के नेता थे, अभी आरसीपी गुट में तोड़ जोड़ में लगे हुए थे। काहे तोड़ जोड़ कर रहे हैं जदयू का आप लोग इतना? भाई साहब ऐसा है कि हम लोग कोई तोड़ जोड़ नहीं कर रहे थे। अगर ईमानदारी से बता दिया जाए कि अगर जिस दिन हम अपने पे आ जाएंगे ना तोड़ने जोड़ने में, तो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। अच्छा। यह हकीकत है, हम कोई तोड़ जोड़ नहीं कर रहे थे। आरसीपी सिंह तो पूरा दावा कर रहे थे उनका। आरसीपी सिंह जी तो जाके गांव में बैठे हुए हैं जी। डर से ना? डर से नहीं, किसके डर से? नीतीश जी के। काहे का, कौन डर ले? अभी तो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि किसके डर से कौन कहां भागा है। वो तो जाके गांव में बैठे हुए हैं। ललन सिंह से डर गए थे ना? किससे? ललन सिंह से। ललन सिंह से आरसीपी सिंह डर जाएंगे? आपको लगता है किसी से क्यों डरेंगे? हिस्ट्री सीटर हैं, घोटालेबाज हैं, क्या हैं? ललन सिंह हिस्ट्री सीटर हैं क्या? नहीं नहीं, तो हम उनको नहीं कह रहे हिस्ट्री सीटर, ये हैं क्या? डरेंगे क्यों साहब, अपराधी हैं। अरे ये तो शांति से जाकर वहाँ षड्यंत्रकारी है ना? क्या है का षड्यंत्रकारी? कौन? बीजेपी से मिले हुए थे कोई? मन खुलासा किए हैं ललन सिंह? देखिए क्या खुलासा किए, कुछ मिला क्या? नहीं, ललन बाबू ने कहा है कि रूम में बोल देने से मतलब है। घर में कैमरा लगा हुआ था आदमी के तरह, उनका पूरा रिपोर्ट वहाँ जा रहा था। बीजेपी के बड़े नेता भूपेंद्र यादव और ये सब तमाम लोग उनके घर पे जा मीटिंग करते। वो जो अपॉइंटमेंट कौन किए थे? वो किए थे। आज जिसका नाम ले रहे हूँ, कब का गया, आया कि नहीं आया, कब रहा, कब गया, वहाँ 24 घंटा वो रहता था? 24 घंटा रहने का उसको परमिशन है? उस आवास में कोई रहता था? सर और मैडम और उनकी बच्चियों को छोड़ के वो लोग कभी आती थी तो रहती थी, नहीं तो किसी को परमिशन है जी? वहाँ जो खाना बनाने वाला भी है वो आवास के बाहर रहता था, और सिक्योरिटी भी आवास के उधर, आवास दो पार्ट में बचा हुआ था। अरे देखिए ये लोग वैचारिक तौर पे अब खिसियाल बिलाई खमान उछने वाली बात है। अब हम आपको कह दिए कि भाई आप तो यारे इनके चलते तो ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, और आज पब्लिक के सामने तो बताना था ना कि भाई ये है। पब्लिक भी जानना चाह रही है कि क्या सही में आरसीपी सिंह जी ने ऐसा किया, तो आज क्या हुआ? टाए टाए फिश, कुछ नहीं। क्या था? कुछ था क्या? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं बता रही थी माननीय महोदय का कि नकली हंसी हंस रहे हैं? कुछ नहीं था। अच्छा, अभी अभी जो नीतीश जी के करीब सटल हैं उनमें कई लोग शामिल थे आरसीपी सिंह के साथ, जरा बताइए ना। नीतीश क्या, क्या नीतीश जी के करीब सटल हैं? अरे ये लोगों को मौका मिल गया उनके नजदीक सटने का, वो केंद्र में मंत्री बने, इस बीच में वो भारत सरकार के कार्य में इंगेज हो गए कि लोगों को मौका मिल गया ये करने का, ये करने का सिर्फ मतलब, मौका मिल गया। मतलब कि बिहार में आरसीपी सिंह रहते थे तो नीतीश जी से सट के राजनीति, नीतीश जी से सटल रहते थे? कहाँ नीतीश, अरे तो नीतीश जी से सटल रहते थे, वो नीतीश जी का आत्मा थे भाई, ब्रेन थे वही। 2005 से 10 का जो स्वर्णिम काल था आपके बिहार का, वो किसका देन है? किसके कौन ब्लूप्रिंट खींचा था उसका? सब तो कहता है नीतीश जी का है। हद हाल है, लड़ती सेना है, सेनापति का ही नाम होता है, लेकिन अकेली ये जो सेना खड़ी होती है। आरसीपी सिंह नौकरी करते हुए जदयू में थे? नौकरी करते हुए 2005 में नौकरी? जी जी, 2005 में नौकरी में थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का क्या रोल होता है आप जानते हैं ना? अरे सरकार कौन चलाता है? सब तो जानते हैं नीतीश जी, मुख्यमंत्री तो नीतीश। एक बात बताइए, सरकार कौन चलाता है? कभी देखे हैं दो देश का जब संधि होता है? देखिए तीन ढांचा है वही चलाता है। अब एक को कहिएगा कि केवल प्रशासनिक अधिकारी चलाते थे? नहीं नहीं नहीं, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है, ये जितने पॉलिटिकल लोग होते हैं। विधायिका का कोई रोल नहीं? नहीं, विधायिका का तो रोल है भाई, अब इस देश में विधायिका का रोल क्यों नहीं है? ये तो तीनों ही तीन धुरी है, लेकिन कार्यपालिका अगर सामंजस्य बिठा के विधायिका के साथ न चले तो विधायिका चल पाएगी? अच्छा बताइए आप कितना उम्मीद रखते हैं? देखिए ललन सिंह ने एक और खुलासा किया कि सर सर करते रहते थे, झोला ढोते थे, बगल में उस 20 अधिकारी उनके पास था। था या नहीं था बोले? एक चीज बताइए, मैंने एक केंद्रीय मंत्री के पास 20 को सीनियर IAS अधिकारी होता है,
आप भी जानते हैं ना, पढ़े लिखे मतलब पूरा टर्म में रेलवे मंत्रालय ना, पूरे टर्म में ही रेलवे मंत्रालय में एक मंत्री को 20 UIS अधिकारी मिलता है और एक सेक्रेटरी मिलता है। जाहिल समझते हैं बिहार की जनता को। लालन सिंह झूठ बोल रहे हैं, तो सफेद झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों के पास कुछ है जी बताने के लिए? वो तो ये अजी जाकर छोड़ के चले गए कि जाइए अब जो करना है आप लोग कीजिए, हम छोड़ के चलते हैं। जब बिहार की आत्मा को आप समझ नहीं सकते हैं, बिहार के जनता को जनादेश को आप अपहरण करने पे तैयार हैं, तो जाइए जो करना है करते रहिए, छोड़ दिए वो, अब तो फ्री है ना, करें। और अब नीतीश कुमार की सरकार कैसी चलेगी? अभी RJD से सरकार आ गई है, कौन सा इधर आएगी, तो RJD से सरकार आ गई है RJD के साथ, तो अभी क्या आप लोग? देखिए हम लोगों को क्या कहना है, अब जिनके साथ जो गए हैं वो सरकार चलाएंगे, हमको तो जानते हैं। दो तस्वीर जो निकल कर आज आई है, एक तस्वीर आप लालू यादव और नीतीश कुमार जी को गले लगते देखे होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जी को गले लगते कभी नहीं देखे होंगे पहले। किससे? नीतीश कुमार जी से पैर छू दिए तो सुनिए ना, दूसरी तस्वीर पैर छूने का। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि भाई तेजस्वी जी का मान रख लीजिएगा, ऐसा ना कि फिर उछल के कहीं मत चल जाइएगा। ये तो सिर्फ बार्गेनिंग करना जानते हैं। तो तेजस्वी जी अभी जैसे कि पैर छुए चाचा को, मतलब अभी भी दुख चुक में है, पलटी मारेंगे? बात करते हैं, मैंने अब इन पे किसी को भरोसा रह गया है? किसी को भरोसा है? बिहार की जनता भरोसा करेगी क्या? गलती कर गए तेजस्वी जी। RCP सिंह फिर से नीतीश जी का झोला ढोएंगे, मतलब साथ आएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, ये सब असंभव। उपेंद्र कुशवाहा भी ऐसी बोलते थे के? उपेंद्र कुशवाहा के चरित्र का तुलना RCP सिंह जी से कर दिए? उपेंद्र कुशवाहा कितना गाली दिए, क्या नहीं किए, क्या नहीं किए, फिर साथ है आपकी मिनिस्टर आ गए, आए ना। RCP सिंह जी के मुंह से कभी नीतीश कुमार जी के लिए एक शब्द खिलाफ सुने थे क्या? और सिंगल व्यक्ति ना वो जदयू में थे, पूरा बोल रहे हैं भुंजा खाते हैं 3 घंटा। कब सुने भुंजा खाते हैं? कब सुने? इस्तीफा देने के बाद सुने? उस दिन सुने? मन में था ना, अचानक तो नहीं आ गया? मन में था उसके, जिसे मन में, अगर हम आपके बारे में जान रहे हैं तो हम मन में ही रखेंगे, तो ये मेरी क्रेडिबिलिटी है ना कि हम मन में बात को रखे हैं। हम आपके खिलाफ, आप जो कहिए, यस बॉस, जो कहिएगा आपका सम्मान करेंगे। तू कभी बोले क्या? और सिंगल व्यक्ति वो जदयू के अंदर थे जो सिर्फ और सिर्फ जदयू के थे, बाकी सब परिक्रमा करके आ चुके हैं सब। तो वो भी तो परिक्रमा करते थे IAS में। हाँ तो बात करते हैं एक IAS अधिकारी का परिक्रमा। अरे ये लोग परिक्रमा करके आने का मतलब क्या? साथी थे जैसे वशिष्ठ नारायण सिंह, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, जितने जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, ये कई बार जदयू को छोड़े हैं, जदयू में आए हैं। आज मतलब यहाँ हुआ तो यहाँ, मतलब निकला तो हुआ रे, मतलब ललन सिंह भी पलटी मारेंगे? अरे भाई पलटी मारे नहीं है पूर्व में, मारे हैं कि नहीं मारे हैं आप ही बताइए। एक बार मारे थे, मारे थे ना, आगे की क्या गारंटी, आगे की क्या गारंटी? अच्छा, मंत्री तो अपने मन से बने थे RCP जी, अपने मन से मंत्री बने थे। हाँ ठीक है, तो इनके प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी खुद बोलते थे, उनके नीतीश बाबू का कृपा हुआ ना, कृपा जब मिला तो ये राज्यसभा गए, कृपा मिली तो ये मंत्री बन गए। अरे भाई पहले ये तो क्लियर कर लो यार, क्यों विरोधाभास की बात करते हो? अच्छा, आप कुछ ही करेंगे RCP सिंह? वो गांव पे बैठ के भुंजा खाएंगे या आएंगे पटना? क्या वो चरवाहा है? क्या वो चरवाहा है? तिकड़म करेंगे? अरे तिकड़म करने की आवश्यकता नहीं है, जदयू में जो नीचे है ना, जिला लेवल, प्रखंड लेवल, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, वो आज RCP सिंह के साथ है। मतलब नई पार्टी बनाएंगे? वो अब वो समय तय करेगा, हम लोग बैठेंगे, सर का क्या आदेश होता है, जो आदेश होगा उसका पालन। जदयू को तोड़ फोड़ में लगेंगे? काहे का तोड़ फोड़, जदयू में बचा क्या है, इन्हीं लोगों को ले जाएगा ढोके। ये लोग हैं कौन जी? ये अमित जी हैं, लगातार RCP सिंह के करीबी नेताओं में रहे हैं, और अभी RCP सिंह के साथ कई नेता जो छोड़ कर गए हैं वह लगातार उनके तरफ से बोलने के लिए आते हैं और तमाम बातें रखते हैं। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं रविकांत देख, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।